अस्सलाम वालेकुम। किसी जगह पे दो लोगों का झगड़ा हुआ और उस झगड़े के दौरान एक शख्स ने दूसरे शख्स को गोली मार दी। कुछ ही देर में पुलिस आई और उसने कत्ल करने वाले को और वहाँ पे जितने भी चश्मदीद गवाह थे तफ्तीश के लिए उन तमाम लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया। उन देखने वालों के अंदर एक शख्स जो है वो उन तमाम लोगों से ज़्यादा अमीर था और जब उसका वकील उसको मिलने के लिए आया तो उसके वकील ने कहा कि सर आप परेशान ना हो, मैं कुछ ही देर में आपकी यहाँ से ज़मानत का इंतज़ाम करवाता हूँ। लेकिन उस शख्स ने पहली ही मुलाकात में अपने वकील से कहा कि मुझे लगता है कि मुझे फांसी हो जाएगी। उसका वकील ये सुन के काफ़ी परेशान हुआ और हैरान हुआ कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम गुजरता रहा और जो केस था वो उसकी प्रोसीडिंग इस तरह से चली, उसका इल्ज़ाम उसके ऊपर साबित हो गया और अदालत ने उसको सज़ाए मौत सुना दी। वकील ने उसे कहा कि सर आप परेशान ना हो, हम इसे आला अदालत के अंदर अपील लेके जाएंगे। एक एक करके उसकी तमाम अपीलें जो हैं वो मुस्तरद होती गईं और वो दिन आ गया कि जब उसकी फांसी के अंदर सिर्फ एक दिन रह गया था। उसका वकील उसके सामने बैठा था और वो उसे कह रहा था कि सर मैं जानता हूँ कि आप इस कत्ल में किसी भी तौर पर मुलविस नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे मुसलसल परेशान कर रही है वो ये है कि आपने पहले ही दिन मुझे ये क्यों कहा था कि आपको फांसी हो जाएगी। वो शख्स कहता है कि आज से तकरीबन 12 या 13 साल पहले की बात है, मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था और पूरा अपार्टमेंट मेरे पास था और मैं उस अपार्टमेंट में अकेला था और जब ट्रेन दोबारा चली तो कुछ देर के बाद एक लड़की जो है वो दुल्हन के लिबास में मेरे अपार्टमेंट में दाखिल हुई। उसने कहा कि मेरे माँ बाप जो है वो मुझसे ज़बरदस्ती शादी करवाना चाह रहे हैं किसी जगह पर और मैं शादी के लिए रजामंद नहीं हूँ, आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें, मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं किसी महफूज मुकाम पर पहुँच सकूँ। वो शख्स कहता है कि मेरे ऊपर जो है वो शैतान सवार हो गया और मैंने अपने नफ्स के ऊपर काबू ना रखते हुए उस लड़की के साथ ज्यादती कर दी। वो लड़की मुझे बददुआएं देने लगी और उसने कहा कि मैं जब ट्रेन रुकेगी तो लोगों को जाके तुम्हारी शिकायत लगाऊं। वो शख्स कहता है कि मैंने बदनामी के डर से उस लड़की का कत्ल कर दिया और ट्रेन के दरवाजे से बाहर उस लड़की की लाश फेंक दी। इस पूरे वाक़े का गवाह मेरे अलावा कोई भी नहीं था और मैं ज़िंदगी गुजारता रहा, लेकिन उस रोज़ जब पुलिस ने मुझे गिरफ़्तार किया तो मुझे लगा कि उस जुर्म की सज़ा मुझे अब मिलेगी। ये कहानी सुनाने का मकसद आपको यह है कि अगर आपके पास दौलत है या आपका असर रसूख ज़्यादा है और आप कानून को बेवकूफ़ बना के उसके चुंगल से निकल भी जाते हैं, लेकिन जब कुदरत अपना इंसाफ करने लगती है तब आपको कोई भी बचा नहीं सकता। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप किसी के साथ जुल्म या ज़्यादती करते हैं तो जुल्म को अपना घर हमेशा याद रहता है, वो अपने घर वापस ज़रूर आता है। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।